तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तो उनके आवास पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह से मुलाकात की है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, किस तरह की ये मुलाकात है और क्या कुछ अधिक चर्चा हुई होगी? अविनाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल उदय, बिल्कुल जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया उनके आवास पर। और ये मुलाकात अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस संगठन में कई तरीके के बदलाव होना है और बदलाव को लेकर ये बैठक एक अहम हो जाती है, और जिसको देखते हुए डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य है वो लखनऊ से दिल्ली गए हैं और अमित शाह से उन्होंने मुलाकात किया है। जी अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में निकाय चुनाव भी है और आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या दोनों चुनावों को लेकर जो मुलाकात है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है? उदय बिल्कुल, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण और ज्यादा हो जाती है क्योंकि संगठन में कई तरीके के बदलाव होना है और मकर संक्रांति के पहले ही बैठकों में जो संगठन है बीजेपी का उसमें कई तरीके के बदलाव होना है, और जिस तरीके का चुनाव भी है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, तो जिस देखा ये जा सकता है कि संगठन में जिस बदलाव काफी होने हैं और इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य है जो वो दिल्ली लखनऊ आवास से दिल्ली गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया है और उन्हें गुलदस्ता भी भेंट किया है। जी जी धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आने वाले वक्त में निकाय चुनाव भी है, साथ ही लोकसभा चुनाव भी है, तो इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डिप्टी सीएम ने चर्चा की है।